आज मैं आप सभी लोग को बताऊंगी सिलाई मशीन ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो उसे कैसे ठीक करें। अब चला के देख लेते हैं ज़्यादा आवाज़ कर रहा है कि कम। आप देख सकते हैं ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ज्योति उतार लेंगे पहले, अब मशीन को निकाल लेंगे। पहले बेबिन निकाल लेंगे, निकल गया है। अब सेटल को खोल लेंगे, अब नट को खोल लेंगे, अब दूसरा नट को खोल लेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। निकल गया है नट, अब इसको निकाल लेंगे। इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा है, इसीलिए ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। अब इस नट को खोल लेंगे, नट खुल गया है। प्लेट को निकाल लेंगे, इसमें देख सकते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा गंदा है और इसमें भी है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और इसमें और ज़्यादा है, इसीलिए मशीन ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। अब इसको साफ कर लेंगे, प्लेट को साफ कर लेंगे। पहले चितिया गया, तेल लगा लेंगे, इसको अच्छा से साफ कर लेंगे प्लेट को। अब इसको साफ कर लेंगे, इसमें तेल लगा के साफ करेंगे। अब सेटल को साफ कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा है, इसमें भी है। सुई से साफ करेंगे तब निकलेगा अच्छा से, इस सब भी अच्छा साफ कर लेंगे, सुई से और अच्छा साफ हो जाएगा। इसको कपड़ा से साफ कर लेंगे, और इसको अच्छा से एकदम देख लेंगे किधर गंदा है। सेटल साफ हो चुका है, अब इसको इसे लगा के कर सकते हैं। अच्छा साफ नहीं कीजिएगा तब बेबिन से धागा नहीं आएगा। देखिए अच्छा साफ हो चुका है, अब इसका प्लेट खोल लेंगे। अब दूसरा नट खोल लेंगे। दोनों नट खुल चुका है, अब प्लेट को निकाल लेंगे, दांत को भी निकाल लेंगे। दांत में प्लेट लगा है इसको भी। देखिए बहुत गंदा है इसमें, अब इसको सुई से साफ कर लेंगे। तेल डाल के साफ करेंगे, इसको चाका से घुमा लेंगे और इसको भी साफ कर लेंगे। अब इसको भी सबको भी इस नट को साफ कर लेंगे अच्छे से। साफ हो गया है, इसमें तेल डाल देंगे। इस नट को भी खोल लेंगे, निकल गया है, इसको साफ कर लेंगे। देखिए गंदा निकला, इसको भी साफ कर लेंगे, पेचकस से कस लेंगे। अच्छा से नहीं कसेगा तो स्विच टूट जाएगा। इसको टाइट कर देंगे, अब इसको खोल लेंगे। इस नट को, नट ढीला हो गया, इसको निकाल लेंगे। निकल गया है, इसमें बहुत गंदा है, इसको भी साफ कर लेंगे। इसको अच्छा से लगा के इसको इसे लगा के साफ कर देंगे। इसमें तेल डाल लेंगे, इसको साफ कर लेंगे। अब इसको लगा लेंगे, इस नट को कस देंगे, अच्छा से कस लेंगे।
देख लेंगे नहीं हिल रहा है, इसमें भी तेल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट है इसको भी ढीला कर लेंगे, ढीला हो गया, तेल डाल देंगे, टाइट कर लेंगे, दांत में तेल डाल लेंगे, तेल डाल लिए हैं इसको प्लेट बैठा के, अच्छा से बैठ गया है, इसको कस देंगे, इसमें नट लगा लेंगे, इसको पेचकस से कस लेंगे, अच्छे से कस लेंगे इसको। अब दूसरा नट लगा लेंगे, इसको भी कस लेंगे पेचकस से, इस नट को अच्छे से कस देंगे, देख लेंगे हिल रहा है या नहीं, नहीं हिल रहा है, प्लेट को बैठा लेंगे, प्लेट बैठ गया है, सेटिंग कर लेंगे इसको, तेल लगा लेंगे पहले, इसमें भी तेल लगा देंगे, सबसे पहले वाला बैठाएंगे, नहीं बैठा अच्छा से, इससे बैठाएंगे और घुमा के देख लेंगे, अच्छा से घूमेगा तो ठीक लगा है और नहीं घुमाया तो नहीं अच्छा लगा है। इसमें और तेल डाल देंगे, घूम जा रहा है, अच्छा लग गया, इसमें प्लेट बैठा देंगे, इसमें भी तेल लगा देंगे, इसके बराबर रखेंगे दोनों के बीच, नट लगा लेंगे, अच्छा से वाला नहीं बैठेगा तो नट भी नहीं लगेगा। अब नट को पेचकस से कस लेंगे, ये वाला अच्छा से नहीं कसा रहेगा, सुई टूट जाएगा और सेटल भी ढीला हो जाएगा और ज़्यादा आवाज़ करेगा मशीन, इसलिए इसको अच्छा से कस लेंगे। इसमें भी तेल लगा लेंगे, अब इसको बैठा देंगे जैसे पहले बैठा था, देख सकते हैं बैठ गया, नट लगा लेंगे, पेचकस से कस लेंगे, एक ठो भी नहीं हिल रहा है, अच्छा से कस आ गया है। अब दूसरा नट को कस लेंगे, दूसरा नट भी नहीं हिल रहा है, अब देख लेंगे इसको हिला के, नहीं हिल रहा है, ठीक कस आया है। इसमें भी तेल डाल देंगे, इसको फिक्स कर देंगे 3 या 5 पे। अब बेबिन में भी तेल लगा लेंगे, बेबिन केस में, अब इसको इसमें लगा लेंगे, अब नीचे सेटल में लगा लेंगे, लग गया, मशीन साफ हो गया है, चक्का में भी तेल डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे, नट को खोल लेंगे, खुल गया है, इसमें भी तेल डाल लेंगे, अब इसको कस देंगे, कसा गया है, नहीं हिल रहा है, मशीन साफ हो गया है, अब इसको बैठा लेंगे, ज्योति लगा लेंगे, अब सिलाई मशीन में धागा लगा के देख लेंगे सिलाई कैसा दे रहा है।
देख लेंगे सुन के। मशीन ज्यादा वाल भी कर रहा है, सिलाई भी अच्छा दे रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।